रंगों से खेलना, आर्ट क्रिएट करना बहुत आसान भी लगता है लेकिन बहुत मुश्किल भी लगता है, इसलिए कि कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर मैंने अच्छी ड्राइंग ना की तो क्लास में इर्द गिर्द लोग मजाक उड़ाएंगे और हंसेंगे, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि फातिमा सिद्दीकी जैसे लोग इस नोशन को गलत साबित, वो कह रहे हैं आर्ट हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए। आर्ट क्रिएट करना सिर्फ आर्टिस्ट का या पेंटर का या विजुअल आर्टिस्ट का ही काम नहीं है। आप धोबी हैं, आप दर्जी हैं, आप टैक्सी चलाते हैं, आप बैंक में काम करते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, आप टीवी एंकर हैं, आप जिंदगी के किसी भी प्रोफेशन में, आप डॉक्टर हैं, फौजी हैं, कोई भी आप हैं, आर्ट क्रिएट करना हर किसी को चाहिए। ये बात सुन के मुझ जैसे लोग जो हैं वो थोड़े से इनकरेज हो जाते हैं। इनको बचपन में सभी बहुत डांट पड़ी होती है अपनी टीचर से कि ये क्या बनाया है, मुझे ये बिल्ली बनाई है कि बंदर बनाया है, और मुझे खुद नहीं पता होता। मुझे भी याद है कि मुझे सिर्फ एक वो सीनरी बनानी आती थी, मुझे तो हट होता था, पीछे सूरज निकाल देते थे, फिर एक रास्ता, एक दरख्त सा जा रहा था, नीचे थोड़ी घास उगा देते थे और इधर हल्का से एक दरिया सा, नदी सी भी बह रही होती थी। ये पेंटिंग हर किसी ने बचपन में बनाई है लेकिन फिर हम इस काम को छोड़ जाते हैं। आज एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है, बाहर से बहुत इन्होंने दो बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल की, एग्जीबिशंस इनकी होती हैं, लेकिन अब ये इस तरह के ख्यालात लोगों तक पहुंचाती हैं। वी आर सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड के फातिमा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, मैं बहुत खुश हूं कि आज गंदा आर्ट क्रिएट करने पे हमें डांट नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आज हम भी आर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो और क्या, ये सरप्राइज है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बताइए ये सारी कहानी आर्ट थेरेपी या है क्या? सो मेरे लिए आर्ट थेरेपी ये है कि अपने मेरे लिए एक सेफ स्पेस करती है। मतलब मैं बचपन से, 5 साल की थी जब से मुझे सिर्फ शौक था कि मैं आर्टिस्ट बनूं, और आई फील लाइक उस वक्त सोसाइटी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मेरी ज़िंदगी किसी और तरीके पर, किसी और राउट पे ले गई मुझे, लेकिन अल्लाह नोज़ बेटर, राइट? तो मैं दोबारा लाइक मैं अपने आर्ट की तरफ आई एंड आई एम टीचिंग पीपल हाउ टू पेंट नाउ। तो आई एम एन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, और मैं लोगों को सिखाती हूँ कि आप जो हैं अपने इमोशंस को पेंटिंग में कैसे लेकर आ सकते हैं। ओके, सो हम डिफरेंट ये करते हैं कि मैं ये कर रही हूँ कि जो मैं वो पेंट नहीं कर रही जो मैं देख रही हूँ ऑलरेडी। सो सपोजिटली अभी हमें टेबल नज़र आ रही है, राइट? ठीक है। तो आई एम नॉट फॉलोइंग दैट। मैं ये नहीं कह रही कि हमें सबीन पेंटिंग हमें करनी है तो हम टेबल ही पेंट करेंगे। मैं कहूँगी नहीं सबीन, तुम जब टेबल देख रहे हो तो आप क्या फील कर रहे हो? तो हम इमोशंस की तरफ चले जाते हैं, हम इमोशंस की तरफ जाते हैं कि हम वो फील करते हैं जो हमारे इंटरनली क्या चल रहा है, माइंड बॉडी सोल में क्या चल रहा है। और जो आजकल की ज़िंदगी इतनी क्योटिक हो गई, स्ट्रेस हो गया है, और स्पेशली पेंडेमिक के बाद तो मुझे लगता है हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल हैं। तो उसकी मतलब उसके लिए मुझे है कि मैं नैरेटिव चेंज करूँ कि आर्ट जो है वो सबके लिए सही है। आपको आर्ट बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, आपको आर्टिस्ट होना भी ज़रूरत नहीं है, आप पेंट ब्रश उठाएं और वो पेंट करें जो आप फील कर रहे हैं। लेकिन उसमें मेरे अगर मैं लेट्स सपोज कुछ फील कर रही हूँ, मैं उसको ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो मे बी इसमें स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं कि जो मेरे माइंड में है बाज़ूकात में उसको भी ड्रॉ नहीं कर पा रही। सो ये किस तरह से फिर इसको मैं किस तरह से अपने इमोशंस को पेंट ब्रश से रंगों के थ्रू एक पेपर पर ला सकती हूँ? आपको याद है आप जब छोटे थे आप कैसे पेंट करते थे? सोचते नहीं थे, राइट? और वो नहीं होता था कि ये प्यारा लगे, लाइक प्रिटी लगे, बिकॉज हमारे अंदर सोसाइटी ने इतना डाल दिया कि आर्ट जो है सपोज टू बी प्रिटी, राइट? आर्ट प्रिटी नहीं होना चाहिए, इट्स सपोज टू बी इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल टू यू। बिकॉज अगर आपके लिए मीनिंगफुल होगा तो जो मैं देख रही होंगी, जो व्यूअर्स देख रहे होंगे ना, उनके लिए भी मीनिंगफुल होगा। बिकॉज जो आपके व्यूज और जो पर्सपेक्टिव होंगे, इमोशंस जो होंगे, वो हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ड्रॉ कर दी, अपने इमोशंस को रंगों के जरिए या कलम के जरिए, पेंसिल के जरिए आपने कन्वे कर दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका स्ट्रेस जो होता है ना, लेवल कम हो जाता है। अगर आपका पूरा दिन आपका एक स्ट्रेस पे चल रहा है, इवन लाइक कभी होता है कि आप परेशान होते हैं विदाउट एनी रीज़न, राइट? आप पेन उठाएं, आप पेपर लें, इवन लाइक ड्रॉ करें, आप पेंट ब्रश उठाएं, आप कैनवस आप पेंट करना शुरू कर दें, आपके स्ट्रेस लेवल जो है आपके इंड्यूस हो जाते हैं। बिकॉज आपका जो होता है ना, आपका जो माइंड होता है वो ऑटो पायलट से हट जाता है। बिकॉज आई फील लाइक आप कॉन्शियसली आप जो काम कर रहे होते हैं तो उसमें ना आपके जो फील कर रहे होते हैं वो इट इज़ बींग प्रोसेस ऑन द कैनवस। तो इसका मतलब है अगर मैं आज खुश हूँ तो मैं जो आर्ट क्रिएट करूँगा वो बिल्कुल जुदा होगा उस दिन के आर्ट से जो मैं एक दिन सुबह बहुत
डिप्रेस्ड हूँ, डाउन हूँ, एंगर है मुझ में, तो वो आर्ट बिल्कुल फर्क बहुत डिफरेंट होगा. मतलब हम कलर से, इवन जो ब्रश स्ट्रोक्स होंगे, उससे हम खुद देख सकते हैं कितना डिफरेंट है. अच्छा जी, फिर आज देखें कि सबीन के अंदर क्या चल रहा है. जरा वो डेफिनेटली सवाल मैंने इसीलिए पूछा था. इम्तिहान इम्तिहान आ गया मेरा अभी. ड्रा करने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट करेंगे. कैनवस एक है, एंकर्स दो हैं, तो मैं कहता हूं फिर लेडीज फर्स्ट. मैं कुर्बानी कुर्बानी का जज्बा है. इनसे इनसे भी बनवाएंगे, इनसे भी कराएंगे, इनको भी डालेंगे. पहले सबीन तुम, मैं जरा देखूं सबीन का अगर लेवल बहुत ऊंचा हुआ. मैं कहूंगा नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है. फातिमा आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आइए चलते हैं. तो फिर मैं जरा पतली गली से निकल जाऊंगा. अब मुझे डर लग रहा है. लेकिन फातिमा ने साथ साथ कहा कि आप कुछ भी ड्रॉ करें वो डांटिंग ही नहीं, वो बोली आर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. ये वो है, मतलब इसमें ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सही है. बोले इन अ वे रूल्स हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉलो दैट, ठीक है. आप अपने खुद बनाओ, उस चक्कर में नहीं जाना हमने कि करेक्ट स्ट्रोक्स क्या है, ये बैलेंस ठीक है कि नहीं, इसको इस कलर को इसके साथ यूज करना क्राइम है आर्ट की दुनिया में, नहीं है. ये मेरी दुनिया है. और जो एब्स्ट्रैक्ट मीडियम होता है वो आपको ना एक तरह का फ्रीडम देता है टू ब्रेक द रूल्स. एग्जैक्टली. चलें जनाब सभी, चलें जी, फ्रीडम टू यू. वाह जी वाह. अच्छा ये जो बदला लूंगी मैं, वेट करें आप. आई कैन गाइड हर. या हां एग्जैक्टली, मैं यहां आती हूं. अच्छा फातिमा, आप हमें साथ साथ ये बताएं कि इस तरह से थेरेपी हम एज अ फैमिली घर में आप रिकमेंड करेंगे कि करना चाहिए, चाहे क्रेयॉन्स ले आए, चाहे पेंसिल कलर्स हों, या किस तरह, ये महंगा इक्विपमेंट होता है या अब सस्ते सॉल्यूशंस भी हैं? पेंट्स जो होते हैं वो आपको मतलब चीप भी मिल जाते हैं, मतलब क्वालिटी का डिफरेंट होगा. बट आई फील लाइक अगर आप अपने इमोशन को प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो आई फील लाइक आप जो है पेंटिंग करना स्टार्ट करें और एज फैक्टर पर ना जाएँ, ये फोकस ना करें. सिर्फ बच्चे ही पेंट करते हैं. Exactly. I feel like हर किसी को पेंट करना चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट इज ईजी बट उसके साथ ही साथ डिफिकल्ट भी होता है. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो समझ में ना आए वो एब्स्ट्रैक्ट है. इन अ वे आई वुड एग्री टू दैट. लेकिन उसमें होता है कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक डॉट भी हो सकता है. अच्छा, जैसे आपने एक डॉट बना दिया, फिर आपने मुझे और सबीन को बोला कि फातिमा लाइक मैं ये फील कर रहा था. अगेन इट्स ऑल अबाउट आपका पर्सपेक्टिव क्या आता है वो बनाने के लिए. राशिद हमारे जो प्रोड्यूसर वो देखे वो बिल्कुल उसका अलग मतलब ले गया. सो हर जवाब दुरुस्त जवाब एक पेंटिंग होती है जो आर्टिस्ट कर रहा है उसकी एक अलग सोच हो रही है, सही है. जो आप देख रहे हो सब हर किसी का डिफरेंट होगा. सो इन अ वे वो होता है कि डिफरेंट है बट स्टिल अ सेम, लाइक इन अ सेम मैनर. लाइक यू लुकिंग, आप एक ही पिक्चर को देख रहे हैं कि हर कोई उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव कर रहा है. इंटरेस्टिंग. तो अच्छा, जब भी पोएट्री उसको आम हमारे इस वक्त जो व्यूअर्स हैं राइजिंग पाकिस्तान के, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी कि वो कुछ आर्ट मटेरियल घर में ला के रखें और हफ्ते में एक दफा अम्मी अब्बू बच्चे मिलके आर्ट क्रिएट करें, या कोई इसका खास वक्त होना चाहिए? नहीं, जब भी फील करें. और मेरा पर्सनली होता है कि जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है एंड मुझे होता है कि आप किसी पे गुस्सा ना उतारें, तो जब भी मैं सेफ स्पेस अपने आर्ट को इसलिए कहती हूँ, मैं अपना कैनवस लेती हूँ और मैं पेंट करना शुरू कर देती हूँ. इन अ वे जो आज आप बहुत खुश फील कर रही हैं. वेरी गुड. ये तो मतलब सबीन तुम बैठ जाती हो, सीरियसली मुकाबला बहुत सख्त हो गया है. तो सबीर आपने वो पेंट किया जो आप फील कर रहे थे, राइट? ये कौन है? जरा मैं चाहूंगा आर्टिस्ट ये मैं बताती हूं. इसके पीछे ये बताइए, अभी राइट ना, शी इज दी आर्टिस्ट. इसके ये तो ये ड्रैकुला नहीं है. इसके मुझे क्योंकि पेंट का मुझे ज्यादा स्केचिंग का शौक है, तो मैं स्केच कर रही होती हूं बाजू का जो कुछ आ रहा होता है. ये कौन है, क्या है? अच्छा, ये एक मेरा बचपन का फ्रेंड है, एक इमेजिनरी फ्रेंड है मेरा, जिसका नाम है गुगलू. आज मैं पहली दफा इसको मैं रिवील कर रही हूँ कि मेरा एक इमेजिनरी, जब मैं अकेला फील कर रही होती हूँ मुझे लगता है कि अच्छा हाँ कुछ, तो आप अपने आप से जब बात कर रहे होते हो, तो मैंने बचपन में अपना एक फ्रेंड बना लिया जिसे मैं कहती हूँ, उसका नाम मैंने रख लिया गुगलू. अच्छा ये अब ये वाला जो एक मैंने एक आई डोंट नो मैं इसको कैरेक्टर बोलूँ कुछ भी बोलूँ जो भी था, बट मैं एक दोस्त जो है मेरा, इसको मैं बाजू का जब मैं सोच रही होती, इनफैक्ट अगर मैं मीटिंग्स में बैठी हूँ और मेरे हाथ में पेन और पेपर है, तो अनकॉन्शियसली मैं अगर किस चीज को ड्रॉ कर रही होती तो मैं इसको कर रही होती. अब इसमें मैं चेंजेस क्या करती हूँ अपने मूड के लिहाज से, कि वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है. अब जिस तरह मैंने इसको स्माइल बनाई, इसको स्माइल बनाई बिकॉज आई एम हैप्पी, ठीक है. अब अगर मैं सैड होंगी तो मैं इसका सैड फेस बना दूंगी. अब अगर मैं एंग्री होंगी तो फिर मैं इसका एंग्री फेस बना दूंगी. तो वो ऑटोमेटिकली
खुद से जो मैं स्केच कर रही होती वो खुद से बन रहा हो, आर्ट में यही होता है। तो जो आप बातें कर रही है उससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही होती हूँ, और आज मुझे मौका मिला कि मैं पेन पर कुछ ड्रॉ करूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं गुगलू, मैं सर चाहूंगा कि बाकी का प्रोग्राम का हिस्सा खवातीन रज़ा में चाहूंगा हम गुगलू पे ही बात करें आज। ये गुगलू की एज कितनी है? ये गुगलू ये बड़ा नहीं होता, ये जितनी सबीन की है ये साथ बड़ा नहीं हुआ, ये उतना ही रह गया। ये मुझे लगता है ये उतना ही है, ये बड़ा नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है जब बड़े होते 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 हैं तो वो इंसान मतलब कोई भी चीज है वो खत्म होनी होती है, तो मैं चाहती हूँ ये खत्म ना हो कभी भी। तो मैं कहती हूँ ये बच्चा ही है और मेरे माइंड में रहता है। हमें पर्सपेक्टिव पता चल गया आर्टिस्ट का, सी है ना। देखिए अब मैं तो भाई बिल्कुल, आप एक ही लाइन थी ना, ये नहीं मैं आपके भी लेकर आई हूँ। अब ये देखें, ये तो मुकाबला बड़ा सख्त हो गया, लेकिन मैं तो बिल्कुल, इसने इतना अच्छे तरीके से समझा है आपकी सारी चीज को कि अब तो मेरा ख्याल हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, और उस ब्रेक के दौरान मुझे कुछ अपने जरा ज़हन के खुलियों का, सुफियान प्लीज चाय लेके आओ, तो मुझे चाय चाहिए, उसके बगैर मैं आर्ट क्रिएट नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग चाय लेकर आनी है आपने, ठीक है। राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फातिमा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, थेरेपेटिक आर्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और हम बात ये करें कि हर घर में आर्ट क्रिएट होना चाहिए। आपके अंदर के इमोशंस को आपको रंगों के जरिए कैनवस पर या आप सादे कागज पर मुंतकिल करना चाहिए। ब्रेक के बाद मेरी बारी। जनाब रंगों की बात हो रही है, रंगों से हम खेल रहे हैं, मुझे तो एक इम्तिहान में डाला था, लेकिन हो सब मुझे सब बता रहे हैं आगे पीछे, सब वो तारीफें कर रहे, इतनी क्लैपिंग बज रही है लिए। तो मुझे लगता है मैं तो सक्सेसफुल हो गया, मैंने सोचा कि क्यों ना तौसीक हैदर को हम इधर हम खड़ा करें और हम कहें कि कुछ ड्रॉ करें। आज देखते हैं फातिमा तौसीक कैसा फील कर रहे हैं, है ना। मैं कैसा फील, अच्छा कोई फील कैसा कर रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, जो आपको करना है वो आप करें। जो मैं, अच्छा ये जो है, ये जो घर में सफेदी वाला ब्रश है वो भी फातिमा ले आई थी, यस, है ना। कि जो इसके बाद बंटी वो स्टूडियो की जो वॉल जड़ी वो तो खराब हुई भी, उसको भी जरा आराम से पेंट कर लेंगे, ब्रश बड़ा वाला आ गया, ठीक ठीक है, डन। अच्छा भाई मुझे कोई ना देखे इधर, मैं काम करने लगा, खबरदार कैमरा मेरे पे कट। और हां हम इनको कहते हैं हम, अच्छा इन भाई फातिमा हम जरा आपके आर्ट पे बात करते हैं, आपका थोड़ा सा आर्ट पर हम दिखाते हैं, कहां हम थोड़ी देर इनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। कौन जीता, चले जी। अच्छा जी फातिमा, कहाँ कहाँ आपने, मैंने सुना की यूएसए में भी आपने एग्जीबिशन करवाए हुए हैं, पाकिस्तान में भी आपका बहुत ज्यादा काम है, तो थोड़ा सा अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमेशा कहा जाता है कि एक आध आप अपना आर्टवर्क किसी को दिखा रहे हो तो वो आप कैसे दिखाएं क्या करें, तो एग्जीबिशन यू नो एक एग्जीबिशन के साथ बहुत सारे, और तो किस तरह से मैनेज किया इसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में। मेरे दो एग्जीबिशन यूएस में हुए थे, ठीक है, तो आई फील लाइक US और पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंस था जब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के उसमें, ठीक है, और पाकिस्तान में मैंने मेंटल हेल्थ वालों के साथ करा था, और उसके मतलब वो होता है कि इट डिपेंड्स कि जैसे हमने आपका अभी आर्ट देखा सही है, तो हमने अंडरस्टैंड करा कि किस साइकी में उसको बनाया गया था, राइट। तो आई फील लाइक जो आर्टिस्ट जो बना रहा होता है ना, उसको इन अ वे आप अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके साथ साथ अपना पर्सपेक्टिव भी लेकर आते हैं, ठीक है। और मुश्किल तो होता है स्टार्ट सब कुछ करना, आई फील लाइक बिकॉज आर्ट जो है मुझे लगता है एक डिफिकल्ट फील्ड है, और उसमें सक्सेसफुल होना मुझे लगता है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो क्या ये चीज़ माइंड में होती है बनाने से पहले कि या सिर्फ अपनी थॉट्स आप कैनवस पे ला रही होती हैं, या फिर ये सोच भी होती है कि अच्छा मुझे तो एग्जीबिशन भी करना है अभी, और फिर लोग किस तरह से अट्रैक्ट होंगे, ये थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट भी बीच में आप ऐड करती हैं कहीं ना कहीं। कमर्शियल एलिमेंट में आई फील लाइक मेरा अपना पर्सनल ये है कि मैं जो फील कर रही होती मैं उसी को करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है जो अगर मेरा ज़्यादा उसमें पर्सनल्स आ जाएंगे ना, लाइक जो मेरी थिंकिंग है, जो इमोशंस हैं, वो ज़्यादा जो व्यूअर्स होंगे वो रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ कॉन्स्टेंटली से कमर्शियल वाइज सोच रही हूँ तो मुझे लगता है वो रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। जो मतलब जो आपके जो दिल में है ना, अगर वो आप कैनवस पे लेकर आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। और ये भी एग्जैक्टली ये बात है कि बहुत सारी क्योंकि थाट्स जब आप शेयर कर रहे होते हैं हर मोमेंट, क्योंकि हर इंसान हर जिंदगी के किसी ना किसी दौर से गुजर रहा होता है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कर रहा होता है,
उस टाइम पे वो उसको चीज पसंद आ जाती है. तो थोड़ा सा फातिमा का आर्ट वर्क भी हमें थोड़ा सा दिखाया जाए ताकि हम उसके बारे में भी बात करें, थोड़ा उस प्रोसेस के बारे में हम उसको डिस्कस कर सकें. ये देखें जनाब फातिमा, ये कहाँ की पिक्चर है? ये जो वर्कशॉप्स होती हैं उसकी पिक्चर्स हैं. ठीक है, ये मतलब आप क्लासेस देती हैं? मैं क्लासेस देती हूँ. अच्छा, सही. तो ये जो लोगों ने मुझे ज्वाइन करा है तो ये उनका आर्ट है, देखें आप. ठीक है, कितना खूबसूरत है भाई. ये तो आपने हमें पहले दिखा के अंडर प्रेशर कर दिया. ब्यूटीफुल. ये मेरा आर्ट है. तो अपेरेंटली ये था कि मैं दूसरी कोई चीज बनाई थी कैनवस पे. ठीक है. और ये जो था ग्लास पे, जैसे होता है पैलेट होता है, ये उसको रखा हुआ था. ओके. तो मैंने उसी पे बनाया एंड आई देयर टुक अ पिक्चर. मैंने फोटोग्राफ ली तो इस एब्स्ट्रैक्ट. अच्छा, तब इस तरह भी प्ले कर सकते हैं. और तब भी देखा जा रहा है कि बस रंगों से आपने खेला हुआ है, डिफरेंट कलर्स हैं जिनको आप, लेकिन ताजा में देख रही थी सारे डार्क कलर्स हैं जो कि आपने यूज किए हैं इसमें. कलर चूज करने का भी होता है? कलर चूज करने का मुझे होता है ये कलर, जैसे अब इसमें जैसे ये पैच वर्क है. तो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है वो ज्योमेट्रिक शेप्स, लाइंस, डॉट्स से है, डिफरेंट कलर्स उससे बनता है. तो ये डिफरेंट कलर्स लाइक रिपीट हो जा रहे हैं. ठीक है. ये जो पेंटिंग थी मेरे बहुत दिल के करीब है. इट्स लाइक राइजिंग फ्रॉम द एशेस. तो उस जमाने में मतलब मेरा जिंदगी में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा था. जब मैंने पेंटिंग बनाई तो मेरी इमोशंस रेगुलेट ज्यादा बेटर हुई. ठीक है, सही, जबरदस्त. और ये एक मैंने पिक्चर ली थी जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के फॉर्म में करी फिर उसको. तो इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में होता है कि अगेन जिसमें सबसे पहले सबीन कह रही थी कि कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती है, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं. जैसे ये पिक्चर थी, ये भी पिक्चर थी, इसको मैंने आर्ट के फॉर्म में करा. अरे क्या बात है, जबरदस्त. लेकिन फातिमा जितनी एक्यूरेट है ये, कितनी मतलब इतनी परफेक्शन से बनी हुई है, वहां तो मुझे लगता है सही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए प्रॉपर. नहीं, तोड़े भी गए हैं. अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने अपनी दोस्त के लिए बनाई थी. ये दोस्त को बनाया था? दोस्त को बनाया था. दोस्त को बनाया था. अच्छा, हर थॉट्स एंड प्रोसेस. ये भी वर्कशॉप किया. ठीक है. अच्छा, बिगिनर्स जो होते हैं, अब जो मैं देख रही हूँ कि आप वर्कशॉप देती भी, क्लासेस भी दे रही होती हैं, सो जो बिगिनर्स है तो बहुत प्यारा आर्ट पर के दिमाग हमारे वहाँ पर जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है ना. तो पहले इसके बारे में बात करें या सवाल करें? इसके बारे में थोड़ा सा पहले बात करते हैं. अच्छा जी, मेरा ये शाहकार जो है तैयार है और इसकी बोली जो है, अब आपने इसकी मार्केटिंग करनी है. इसकी सही ऑनलाइन बोली लगनी चाहिए. और पहले क्लोजअप. अच्छा, समीन की बारी, पूरा क्लोजअप आया था तो मेरे आर्टवर्क का क्लोजअप नहीं आ रहा है. है नवीद, दिखाएं जी, दिखाएं. ये अब ये टफ टाइम देने का सोच रहे हैं अभी. अच्छा, देखते हैं. ये मेरा आर्टवर्क तैयार हो गया है. हाँ. क्या मतलब कोई अजीब ही कड़मस सी मची हुई है रंगों की. हां, आप एक्सप्लेन हमें कर रहे हैं. मैं एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ, जो मेरी जिंदगी का कुछ फलसफा भी है, कि बज़ाहिर आप कई दफा ये जो ब्लैक है, आप देखें इस ब्लैक के अंदर से कलर्स निकल रहे हैं. तो लाइफ के अंदर आप जिंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, आप कितने भी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, एवरी डार्कनेस हैज सम अपॉर्चुनिटी इन इट. रंग आपकी जिंदगी की, आपकी जिंदगी की खुशी, आपकी जिंदगी की आसाइश, आपकी जिंदगी का जॉय आपके उन्ही डार्क टाइम्स से ही निकलता है. सो अगर आप किसी डार्क टाइम से गुजर रहे हैं तो ये मत समझिए कि स्याह के अंदर काला नहीं, लाल नहीं है. स्याह के अंदर से पीला नहीं निकलेगा. और ये तो आप आर्टिस्ट हैं, आप बताएं. हमने तो ये सुना है वो प्रिज्म की, जब हम पढ़ते थे फिजिक्स में, कि उस पर से कलर्स, ब्लैक के अंदर शायद सारे कलर्स शामिल होते हैं या कुछ ऐसा होता है, या व्हाइट में सारे कलर शामिल होते हैं. समथिंग लाइक दैट. बट जो, लेकिन स्याह यूजुअली एक डिप्रेशन, उदासी, एंगर, दुख, अलम का इस्तारा है. एट द सेम टाइम ना, ब्लैक आपने बोला ना, लाइक डिप्रेशन उसका भी कलर है, बट एट द सेम टाइम बहुत पॉजिटिव कलर भी है. अच्छा, स्ट्रांग, ओके, डोमिनेंट, पावरफुल, ओके. तो बरन मेरा इस पे कांसेप्ट ये है कि सारे रंग जो है जिंदगी के, वो डार्क टाइम्स में सी खुशियां. क्या बात है, निकल नहीं, जबरदस्त. मेरे ख्याल में ये जो पीछे थॉट प्रोसेस था उसके लिए क्लैपिंग है. जबरदस्त, जबरदस्त. लेकिन दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा था, है ना जी? यस. ये अच्छा, तो वो तो फ्रेंड है. नाम, हाँ? ये मेरा फ्रेंड है जी, बचपन का. इसका नाम है मुगलू. तुम्हारे इनका गुगलू था तो मेरा मुगलू क्यों नहीं हो सकता? ये देखिए जी. अच्छा, फातिमा नंबर दें, दे सकती हैं? मैं नंबर दोनों के साथ दूंगी. नहीं, बिकॉज दोनों का थॉट प्रोसेस है ना, वो इतना मीनिंगफुल है. जो हम स्टार्ट में हम लोग बात कर रहे थे, तो अपेरेंटली अगर कंपटीशन था आप दोनों जीते. ओह, थैंक यू वेरी मच. वैसे भी इस काम में मेरे ख्याल कंपटीशन का
है नहीं, दैट्स द पॉइंट, होना भी नहीं। यही चाह रही थी कि फातिमा इस चीज को बताएं कि क्योंकि शुरू में जैसे हमने बात की कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना परफेक्ट और कितना प्यारा लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपने जो ड्रॉ किया उसके पीछे आपकी थॉट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो मैटर करता है। तो हर आर्ट अगर आपने उस पर एक लकीर भी क्यों नहीं खींची हुई तो वो भी बहुत खूबसूरत है। एग्जैक्टली, मतलब वो ये नहीं कि अच्छा, फिर मैंने काफी लोगों को देखा है कि हम भी बना सकते हैं, मैं कहती हूँ यस आप बना सकते हैं, बट अगेन थॉट आनी चाहिए। Exactly. तो आप क्विकली आखिर में आधे पौने मिनट में हमारे व्यूअर्स को क्या रिकमेंड करेंगी कि घर में इस तरह से सेशंस करें? Yes. और फिर उसको घर में आवेजा भी कर सकते हैं, और क्या आप घर में बैठ के अगर आप साथ साथ बैठ के सब करें और फिर बस फोकस नहीं करें कि तुम गलत बना रहे हो या मैं सही बना रहा हूँ, आई फील लाइक जो कंपैरिजन है ना वो हमें निकाल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपका भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, इस तरह होना चाहिए। बिल्कुल, फातिमा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, व्हाट अ प्लेजर इट इज टू हैव यू ऑन द सेट्स ऑन द शो। अच्छा ये बताएं आपको हमारे रंग कैसे लगे, हमारा सेट कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी वाइब्रेंट। जब मैं अंदर घुसी ना तो आई वाज लाइक के वो तो ना कि हैप्पीनेस अंदर से आ रही होती है। हां, आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब अंदर आई तो आई वाज लाइक यस रिलैक्स्ड। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। सबीन अब हम अपने नाज़रीन से इजाजत लेंगे। बिल्कुल जी, आज हमने बहुत कुछ सीखा, नोवेरा से लेकर अभी फातिमा की हम बात करें, अमारा की हम बात करें, तो आज नई नई चीजें हम देखेंगे। आखिरी सेगमेंट अभी आज का मेरा जो फेवरेट मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है ना, वो फातिमा के साथ था। फातिमा के साथ था, no doubt. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे सबीन को और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।